लुधियाना के निजी होटल में एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट अनएडेड स्कूल ऑफ पंजाब की ओर से पत्रकार वार्ता की गई। इस दौरान एसोसिएशन के चेयरमैन राजेश रुद्रा ने बताया कि सरकार की ओर से बनाई गई फीस कमेटी के निर्देशों को एसोसिएशन द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चैलेंज किया गया था, जिस पर हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया है। साथ ही इस बैठक में गुरुग्राम में हुए प्रद्युमन हत्या मामले की निंदा की गई और इस घटना पर दुख व्यक्त किया गया। आज की मीटिंग एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स अनएडेड स्कूल्स पंजाब CBSE की तरफ से ये हुई है। सारे ऑफिस बेरर पंजाब के स्टेज पे मेरे साथ हैं। ये जो डिसीजन अमरदत्त कमेटी ने, रिटायर्ड जस्टिस जो हमारे फी कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने दिया था, 107 स्कूल के खिलाफ था कि वो सारे रिफंड करेंगे जो ओवर चार्जेस लिए उन्होंने फ़ी का लिया है। हमने उसको एसोसिएशन की तरफ से चैलेंज करा था हाईकोर्ट के अंदर, तो जस्टिस अजय तिवारी जी का डिसीजन उसमें आया है। एक तो स्टे हो गई उसके ऊपर, स्टे के कुछ पेरेंट्स उसे फ़ी नहीं दे रहे थे, 3-4-5-6 महीने से फ़ी नहीं दे रहे थे उसकी आड़ के अंदर, तो उनको इंस्ट्रक्शन हुई है कि 2 महीने के अंदर अंदर पिछले जितने ड्यू हैं स्कूलों के वो सारे क्लियर करो। और स्कूल को ये इंस्ट्रक्शन हुई है कि आप एक अंडरटेकिंग दो जिसमें ये लिखोगे कि कल अगर फैसला आता है रिफ़ंड करने का, जो ओवर चार्जेस हुआ है वो हम करेंगे। वो सारी एसोसिएशन ने फैसला लिया कि हम अंडरटेकिंग देने को तैयार हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो आज एक दिल्ली के अंदर जो कल हादसा हुआ एक बच्चे के साथ, हमने उसको कंडम करा है, दुख है हमें उसके ऊपर। और स्कूल वालों को हमने आपस में डिसीजन भी लिया है कि हम सेफ्टी के लिए सिक्योरिटी और टाइट करेंगे बच्चों के लिए। कोई भी टॉयलेट या कोई ऐसी जगह जहां पर बच्चे जाते हैं, दूसरा वहां पर इंसान, कोई स्टाफ 4th क्लास वगैरह नहीं जाना चाहिए वहां पर।